हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टेक एंड टूल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग वीवो V23 के बारे में बात कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम फोन की बॉडी की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको पीछे की तरफ ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, और ये फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, मतलब स्क्वायरिश फिनिश के साथ आता है। और वीवो V23 Pro जो कि थोड़ा कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। पीछे की तरफ आपको एक्स कॉच प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, ग्लास बैक देखने को मिलता है। ये फोन इंडिया का पहला फोन है जो अपना कलर चेंज कर सकता है। एक आता है सनशाइन गोल्ड जो कि फोन आपका ब्लू कलर ब्लैक बदल जाता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है देखने में जो कि। और पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसकी अलाइनमेंट बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा मतलब कैमरे का साइज थोड़ा बड़ा है जो मेरे को लगता है कि छोटा भी तो चलता है, लेकिन लुक्स बड़े अच्छे ही निकल के आते हैं इस फोन के। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, इसमें कोई 3.5mm जैक पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और ऊपर की तरफ आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, एकदम फ्लैट डिजाइन। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन अप डाउन बटन देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम इजेक्शन वो मिलता है। नीचे की तरफ आपको पोर्ट देखने मिलते हैं, स्पीकर पोर्ट और टाइप सी पोर्ट। ये तो अगर इसकी बॉडी की बारे में बात, और फोन का वेट है 171 ग्राम। ये इसकी बॉडी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग डिस्प्ले की तरफ पढ़ते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। पर 2022 में 90Hz रिफ्रेश रेट मतलब इतनी कुछ खास बात नहीं है, 120Hz होता तो कोई अच्छी बात भी रहती। इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। 6.56 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 89.55% देखने को मिलता है। और आपने आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की, तो इसमें आपको वीवो का फ्रंट टच 12 देखने को मिलता है और एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है। अब इसमें आपको वीवो का डायलर देखने को नहीं मिलता, इसमें भी अब आपको गूगल का डायलर देखने को मिलेगा, यानी कि अब इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 6nm बेस्ड है। इसमें आपको ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है और मेल G77 और P95 आपको इसमें GPU देखने को मिलता है। ये अगर इसकी हार्डवेयर क्या है, मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, 8128, 8256 और 12256। ये तीन वेरिएंट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको इसमें SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, डुअल नैनो सिम का सपोर्ट है इस फोन के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे की तरफ और डुअल फ्लैश देखने को मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा आपको 108MP का देखने को मिलता है, अल्ट्रावाइड सेंसर आपको 8MP का देखने को मिलता है और एक 2MP का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। मेन कैमरा जो है इसका मतलब बहुत ही बढ़िया, एकदम 100% बहुत तगड़ी तगड़ी फोटो खींचे। और इसमें आप एक मोड है जिसमें आप 100MP पर फोटो खींच सकते हो, जिसमें आपको कलर्स बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं और जूम करने के पिक्सल्स फटते नहीं है। अल्ट्रावाइड सेंसर इसमें चाहे तो वो लोग वीवो 12MP का डाल सकते थे जो कि थोड़ा बढ़िया रहता, बट 8MP इतना भी कुछ खास नहीं, मतलब बहुत सॉफ्ट सी इमेज आएगी, इतना आपको HDR देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें 2MP का मैक्रो कैमरा है जिसके बारे में क्या ही बात करने से स्किप करते हैं, मतलब अच्छे खासे मैक्रो शॉट्स आ जाएंगे, मतलब बहुत लाइटिंग में करिएगा तो अच्छे खासे मैक्रो शॉट्स आएंगे। इसमें आपको 4K 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं हाईएस्ट। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको मेन कैमरा 50MP का और अल्ट्रावाइड कैमरा आपको 8MP का देखने को मिलता है। इसमें आप हाईएस्ट 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आगे की तरफ आपको डुअल फ्लैश देखने को मिलती है जो कि आपको एक ही कॉर्नर पर और एक कॉर्नर पर देखने को मिलती है, जो कि मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी है। और ये मतलब बेस्ट फोन मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट फोन बन जाता है आपका ब्लॉगिंग के लिए। इसे आपको फ्रंट कैमरा इतना तगड़ा देखने को मिलता है और एक अल्ट्रावाइड कैमरा भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो आप इस फोन से ब्लॉगिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस फोन को ब्लॉगिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप इस फोन को आराम से बाय करिए बिना किसी झिझक के। अब गाइस बात कर लेते हैं लोग स्पीकर के, आपको गाइस सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउड स्पीकर। इसमें आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ये फोन बहुत स्लिम है, एक पेंसिल से थोड़ा सा हल्का सा स्लिम और है। बात कर लेते हैं गाइस कुछ कॉम्स के बारे में, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। इसमें आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ सेंसर्स की, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है, आपको प्रॉक्सिमेटरी सेंसर देखने को मिलता है, गायरो सेंसर देखने को मिलता है, कंपास देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सारे सेंसर देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट NFC। ये हो गए इसके कुछ सेंसर्स के बारे में। इसमें हम बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर ये चाहे तो इसमें 4400 या 4500 की बैटरी देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ये फोन स्लिम बहुत है तो इस वजह से हमें बैटरी थोड़ी कम देखने को मिलती है। ये डिसअपॉइंटिंग बात लगी मुझे इस फोन की, बट इसमें आपको 44W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जिसमें आपका फोन 1 to 63% इन 30 मिनट्स हो जाएगा चार्ज आराम से अकॉर्डिंग टू वीवो। अब फोन में आपको कुल 2 कलर देखने मिलते हैं, एक मिलता है सनशाइन गोल्ड और एक मिलता है स्टैंडर्ड ब्लैक।
ये दो कलर में आपको ये फोन देखने को मिलता है। और ये हो गए इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन रिव्यू जो भी कह लीजिए, ये हो गए इस फोन के। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।